कि सभी पति को अपनी पत्नी का सेवा करने का एक बार ये मौका मिलता है और उसके पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको अपनी पत्नी का पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए, करवा लेना चाहिए ऑपरेशन, जिससे कोई बीमारी और ना बढ़े अपने शरीर में। क्या बीमारी क्या थी आपको? बच्चेदानी में रसौली थी। कितनी बड़ी? 11 सेंटीमीटर। इतनी पाल पोस के लाई थी मैं, ऐसे छोटी सी नहीं लाई, 11 सेंटीमीटर थी। कब से पता थी? अभी पता चला था ना। अच्छा, आपको पहले पता नहीं चला? हाँ, नहीं, अभी पता चला। इससे पता चलता है कि साल में एक बार सोनोग्राफी जरूर करानी चाहिए, जिससे कि हमें बीमारी के बारे में पता चले। क्यों 11 सेंटीमीटर पे जाके सोचो आपको पता चला है, 11 सेंटीमीटर एक महीने में तो बनी नहीं है। अब आपको क्या तकलीफ हुई थी जिससे पता चला कि आपको गांठ? ब्लीडिंग ज्यादा होने लगी। ब्लीडिंग ज्यादा हो रही, और ये कितने दिन से हो रही थी अभी ब्लीडिंग? दो तीन महीने से। आपने सोचा होगा कि ऐसे ही आ रहा है, ऐसे ही आ रहा है, फिर जाके आपने सोनोग्राफी कराई। हाँ जी। और उसके अलावा पेट में कोई दर्द वगैरह? नहीं, कोई तकलीफ नहीं थी। और जब आपको ये पता चला कि आपके पेट में इतनी बड़ी गांठ है, तो क्या रिएक्शन थी आपकी? एक बार तो डर लगा था। क्या लगा मन में, क्या आया कि अब गांठ हो गई तो क्या हो सकता है? क्या क्या लगा, कुछ तो फीलिंग आई होगी, शेयर तो करो। ये ऑपरेशन का, और ये सोचा कोई बड़ी बीमारी ना निकले, वो बस बस। फिर आपने क्या किया आगे? बस फिर डॉक्टर से कंसल्ट किया, फिर यहाँ पहुंच गए। जो औरतें डरती रहती है ऑपरेशन से, नहीं डरना चाहिए उनको, करवा लेना चाहिए ऑपरेशन, जिससे कोई बीमारी और ना बढ़े अपने शरीर में। सबसे इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम क्या है, लेडीज है ना, घर में बैठी रहती है, डरती रहती, ब्लीड करती रहती है, हैवी ब्लीडिंग हो रही है। अभी और 4-6 महीने नहीं आती ना, तो हीमोग्लोबिन और कम हो जाता, फिर क्या होता, हमें खून चढ़ा के सर्जरी करनी पड़ती, फिर और रिस्की हो जाती, और गांठ और बड़ी हो जाती, खून और कम हो जाता, और प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती। और बहुत सी लेडीज आती हैं, कोई 4 ग्राम पे आती, कोई 5 ग्राम, कोई 6 ग्राम, आपको भी डिसेंट हीमोग्लोबिन लेके आए हो, मतलब वी आर थैंकफुल टू यू, यू आर कमिंग टू अस नॉर्मल वे, मतलब धन्यवाद, थैंक यू तो आपको बोलना चाहिए, इतना अच्छा ऑपरेशन किया आपने। देखो आप हमारे पास 20 सेंटीमीटर पे भी आते ना, तो भी हमें ऑपरेशन करना पड़ता है, और करते किया भी है, 20 सेंटीमीटर भी किया है, 2.5 किलो, 5 किलो, 5.5 किलो सब निकाले, नहीं हमें तो 20 पे भी करना पड़ता है, लेकिन हम इसलिए आपके थैंकफुल हैं कि एटलीस्ट आप हमारे पास 10 सेंटीमीटर पे ही आ गए, तो हमारी स्ट्रगल थोड़ी कम हो गई, रिस्क आपकी कम हो गई, हमारे रिजल्ट भी अच्छे हुए, आपको भी अच्छा महसूस हुआ। क्योंकि जितनी लंबी सर्जरी चलती है, फिर जितने देर सर्जरी चली, जितना ब्लड लगा, तो आज जैसे आप एक दिन में खड़े हो सकता है कि फिर आपको 2 दिन लग जाए, दैट इज द डिफरेंस। तो सबको एक ही रिक्वेस्ट है कि बीमारी ना पालो, बीमारी पता चल गई तो उसका इलाज तुरंत करा लो। मैसेज मेरा इतना यही है कि कभी भी लेडीज को इस तरह की कोई बीमारी हो, उसको अपने शेयर करके बतानी चाहिए, और उसमें आगे आकर डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका इलाज प्रॉपर टाइम पे कराना चाहिए, ताकि भविष्य में उसे किसी भी तरीके की कोई अनहोनी का या किसी अन्य बीमारी का कोई सामना ना करना पड़े, या अपने स्वास्थ्य के प्रति उसे हमेशा सजग रहना चाहिए। साल में एक बार या 2 साल से एक बार उसको अपनी सोनोग्राफी, अपना नियमित रूप से चेकअप कराते रहना चाहिए। और एक पर्सनल ये और है कि सभी पति को अपनी पत्नी का सेवा करने का एक बार ये मौका मिलता है और उसके पीछे नहीं हटना चाहिए, उसको अपनी पत्नी का पूरा अच्छे से ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू।